वार्ड 25 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासी आवारा कुत्तों से परेशान हैं। आवारा कुत्ते सड़क से गुजरते प्रत्येक व्यक्ति को दौड़ाते हैं। कुत्तों के काटने की घटनाएं वार्ड से लगातार सामने आ रही हैं। वार्ड 25 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से स्थानीय रहवासी खासे परेशान हैं। झुंड में घूमते आवारा कुत्ते सड़क से गुजरते हर राहगीर को दौड़ाते हैं। कुत्तों द्वारा हमला करने की घटनाएं भी यहां पर हो चुकी हैं। आवारा कुत्तों की संख्या और उनके हिंसात्मक होने की जानकारी नगर निगम प्रशासन को स्थानीय लोगों द्वारा अनेकों बार दी जा चुकी है। बावजूद इसके कुत्ता पकड़ने को लेकर नगर निगम की टीम द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। बीते शनिवार को नंदिनी रोड निवासी एक युवक सुरेंद्र सिंह अपने परिचित मोहन से मिलने यहां पर आया हुआ था। बाइक सवार युवक को आवारा कुत्तों ने चारों ओर से घेर लिया और उसे काटने की कोशिश में दौड़ाने लगे, जिसके फलस्वरूप सुरेंद्र सिंह जमीन में गिर गया। युवक को बचाने के उद्देश्य से एक स्थानीय महिला लाठी लेकर तुरंत मौके पर पहुंची और आवारा कुत्तों को भगाने सुरेंद्र सिंह को लाठी दी। यह सारी घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह ने लाठी के माध्यम से कुत्तों को डरा धमकाकर मौके से भगाया। इस तरह की घटनाएं यहां आए दिन देखने को मिलती हैं। सुबह से रात तक आवारा कुत्ते सड़क में झुंड बनाकर बैठे रहते हैं और किसी भी राहगीर के सड़क से निकलते ही उस पर झुंड बनाकर टूट पड़ते हैं। इन आवारा कुत्तों की वजह से सड़क पर सब्जी वालों, फल ठेले वालों ने आना छोड़ दिया है। यहाँ तक कि घरों में मीटर रीडिंग का कार्य करने वाले यहाँ आने से बेहद घबराते हैं। आवारा कुत्तों ने घरों से बच्चों का निकलना बंद करा दिया है। बच्चों के पालक उन्हें खुले मैदान में खेलने से रोकते हैं, क्योंकि पालकों पर आवारा कुत्तों के झुंड द्वारा बच्चों पर हमला करने का अंदेशा बना रहता है। आवारा कुत्तों की वजह से इस सड़क की स्थिति काफी खतरनाक हो चुकी है। क्षेत्र के लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन इनकी परेशानी का हल करने अब तक कोई सामने नहीं आया है। कुत्तों के आतंक से पीड़ित स्थानीय रहवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं कल हाउसिंग बोर्ड अपने दोस्त के पास में जा रहा था, जैसे ही मैं गली में मुड़ा हूँ घर के पास में उनके, तो वहाँ पे कुत्ते का बहुत सारा झुंड था जो मेरे ऊपर उन लोग कुत्तों ने हमला कर दिया, और मैं अपना जान बचाने के लिए पीछे हटते चला गया तो एक लेडीज़ ने मुझे डंडा दिया। उस डंडे से मैं अपना बीच बचाव किया तो कुत्ते को भगाया वहाँ से। तो उस कुत्ते के बीच में एक लेडीज़ आई, बोलती मेरे कुत्ते को तुम लोग मार रहे हो और मैं FIR कराऊँगी, ऐसा कराऊँगी, ऐसा मेरे को डराने लगी और मेरे कुत्ते ने काट लिया है। मेरे सीधे पैर में काटा कुत्ता और उल्टे पैर में काटा कुत्ता मेरे को। तो मैं जाके जामुल थाने में FIR कराया हूँ, लेकिन मेरे FIR वहाँ के साहब लोग लिखे हैं, लेकिन मेरे पक्ष में मेरा FIR हुआ है, लेकिन वो सुस्मिता डे मेरे पक्ष में अपने मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी है और जामुल थाने वाले ने मेरे ऊपर केस बना दिया है। मैं यही प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि मैं तो प्रार्थी हूँ, कुत्ते ने मुझे काटा है और मैं इतना बुरी तरह गिरा हूँ, वो CCTV कैमरे में पूरा कैद है, और मैं अपना डॉक्टर मुलाजा कराया हूँ चंदूलाल सरकारी अस्पताल जाके, वहाँ के डॉक्टर लोग बोले हाँ सही में कुत्ता काटा है करके। उस रिपोर्ट के आधार पर मैं थाने गया तो थाने मेरा रिपोर्ट वहाँ के लोग लिखे, और लेकिन एक कुत्ते को जो संरक्षण दे रही सुस्मिता डे उसके बारे में ये बोलना चाहूँगा मैं, अगर वो कुत्ता पाली है तो अगर घर में पाले, घर में रखे कुत्ते को, वो कुत्ता बाहर छोड़ देती है और बाद में जो कुत्ता किसी को काटता है तो बोलती है कि कुत्ता को मैं नहीं पाली हूँ करके, और ये विगत दो ढाई साल से चले आ रहा है और बहुत लोगों को कुत्ता ने काटा है और बहुत लोग जाकर रिपोर्ट लिखा है, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट उसका नाम से नहीं हुआ है। ये पहली दफ़ा है जो मैं मेरे को काटा जाकर मैं रिपोर्ट कराया हूँ तो रिपोर्ट हुआ है। बस यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि उस कुत्ते को वहाँ से हटा दिया जाए, ताकि वहाँ पर मोहल्ले वाले बहुत भयभीत है और वहाँ के बच्चे आए दिन कुछ ना कुछ कुत्ते उसको काटते रहते हैं बच्चे लोग। बस मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि वहाँ से कुत्ते लोग हटा दिया जाए और उस पर कड़ी से कार्रवाई की जाए। पिछले विगत दो साल से भी वहाँ पे शिकायत किया गया है, आयुक्त को शिकायत किया गया, नगर निगम में शिकायत किया गया, लेकिन कोई वहाँ पे उस पर एक्शन नहीं हुआ है। मेरे दोस्त मेरे से मिलने के लिए आए और जैसे ही कॉलोनी के अंदर घुसे, वो कॉलोनी के पास में एक महिला है सुस्मिता डे, उन्होंने 8-9 कुत्ते को अपने पास रखी थी। हमारा आदमी जैसे टर्निंग लिया उसको घेर लिए, घेरने के बाद में कोई मोटरसाइकिल रोके और उतर गए तो उनको डांटने लगे तो उनके ऊपर टूट पड़ा, धीरे धीरे पीछे हटते हटते गिर गए, उनको दोनों कुत्ता काट लिया। हम देखा तो हमने उसको बीच बचाव किया,
तो बीच बचाव करने के बाद हम लोग थाने गए कि इन पर शिकायत करेंगे। ये विगत वर्षों से बहुत बच्चे को आदमियों को काट डाला है और उनके डर से ना किलोमीटर रीडिंग लेने वाला एमपीबी के आदमी आते हैं, ना मोची आता है जूता सिलने वाला, ना सब्जी वाला। मतलब वहाँ के महल्लेवासी इतना भयभीत हैं कि अब मैं क्या बताएं इसके बारे में, हमारा शब्द कम पड़ जाएगा। और उस थाने में हम लोग जब गए रिपोर्ट कराने के लिए तो थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई, उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी गई। हमको इस मोहल्ले में बहुत प्रॉब्लम है, कुत्तों से इतना आतंक है, हम आना जाना कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे घर बच्चे अगर घर से बाहर निकलते हैं कुत्ते उनको काट लेते हैं, और अगर हम कुछ अपना बचाव करते हैं तो हम पे गलत बात आती है, हम पे गलत मतलब वो होता है कि हमने कुत्तों को मारा है कि अब हम अपना बचाव नहीं कर पाते। हमने बहुत जगह शिकायत की, हमारे पास सारी कॉपीज है उसकी, सारी रसीद है, लेकिन हमारी शिकायत का कहीं कुछ नहीं हुआ। हर वक्त मेनका गांधी के नाम से कॉल आता है और बात वहीं मैटर को ख़त्म कर दिया जाता है। उल्टे हम लोगों के ऊपर गलत बात आती है कि हम लोग कुत्ते को हरेस कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन से एनजीओ से कॉल आ रहे हैं कि मेरे यहाँ एक छोटा सा पप्पी है, तो वो लोग कह रहे हैं एनजीओ वाले कि वो हमारे घर में घुस के कार्रवाई करेंगे। हमने कहा क्यों, तो बोलते हैं कि हमें मतलब आपके मोहल्ले से किसी से शिकायत मिली है कि आप कुत्ते को बीमार मारते हो, टॉर्चर करते हो और वो बीमार है। तो हमने कहा कि अगर बीमार है तो हम उसको कैसे, वो जिंदा हमारे पास, वो कैसे रह रहा है, और आप किस बिना पे हमारे, पहले आप हमें नाम दीजिए जिसने हमसे कंप्लेन की है। तो वो कह रहे कि हम नाम नहीं बताएंगे पर हम आपके घर के अंदर घुस के आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे घर के सामने 24 घंटा कुत्ता बैठा रहता है, कोई आता है जाता है मेरे घर में, सबको काटते हैं। अभी कितने जन को काट दिए हैं और कितने जन को, और मेरे घर के जस्ट सामने, मेरे घर में मैं अकेली रहती हूँ औरत, मेरे घर में मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मेरे घर के जस्ट सामने कैमरा लगाई है, कैमरा लगा के देखती है रात। 3 साल से मैं तकरीबन जो देख रही हूँ, 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, नगर निगम से लेके पुलिस स्टेशन से लेके कलेक्टर तक गए हैं हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उल्टा हमारे ऊपर धमकी दी जा रही है। वो बाहर रहते हैं, एनजीओ से है। जब कोई कुत्ता किसी को काटता है तब कोई एनजीओ नहीं आता है। अगर कोई इंसान कुत्ते को जब थोड़ा अपने बचाव के लिए पत्थर या कुछ डंडे से डराता है तब एनजीओ का डर आ जाता है कि एनजीओ वाले हैं तो ये है। और जब हम बोलते हैं कि किसी का इलाज कराओ तो तब बोल देते हैं स्ट्रीट डॉग है, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। 2 महीना पहले हमारे घर में एनजीओ वाले आए थे, जिसमें 4-5 लोग, मैं नहीं था, मेरे वाइफ को धमका के वो लोग चले गए। और यहाँ तक मैं जाकर पुलिस में किया है, जामुल थाने में FIR भी कराने की कोशिश किया तो वहाँ से भी मुझे भगा दिया गया। और यहाँ पे क्या कुत्ते की इतना ज़्यादा आतंक है कि यहाँ मोहल्ले में रहना भी दुश्वार हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को भी दौड़ा लेते हैं, काटते हैं, वीडियो उसका बनाते हैं ये लोग कि हाँ हमारे कुत्ते के लोग मार रहे हैं। भाई अपने बचाव के लिए सभी लोग करेंगे। हम लोग देवेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव के घर भी गए थे, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। SP के पास गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग करीबन 1 साल से यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इसीलिए हम लोग क्या यहाँ से मकान खाली करके हम लोग जा रहे हैं। यहीं पे बैठी थी इसी पे, वो कुत्ते उसको वो गाड़ी लेके जा रहा था, उसको झूम गए तो वो डर गया, तो मैं यहीं बैठी लकड़ी लेके बगी में, लकड़ी लेके उसको ऐसे भगाई तो वो अपने घर में घुस गए कुत्ते, और मेरा बेटा मेरा पोता को बचाने तो मेरा पुलिस कंप्लेन करी जाके वहाँ पे, मेरे को पुलिस थाने बुलवाए। वो लोग बताओ ऐसी मेरी क्या गलती है ये बताइए आप मेरे को, ऐसी लड़की जो मैं आज तक कभी कहीं घर से निकली नहीं, कुछ भी नहीं करी, तो कंप्लेन करी कि मेरे कुत्ते को, अरे मैं अपने पोते के बचाव में उसको मारूंगी नहीं लकड़ी लेके, कुत्ते को एक लकड़ी मारी और अपने घर में घुस गई, अभी मेरा वीडियो बना रही है और तो ये जामुन थाला वहाँ पर रिपोर्ट करी है, तो पुलिस आई है हम लोग को लेके गई है, बोली कि आप लोग चलो आप लोग के नाम पे कंप्लेन है, तो वहाँ जाके हम लोग बोले सब पुलिस वाले कुछ नहीं करे। वहीं जामुल थाना प्रभारी केशव कोसले ने सुरेंद्र सिंह पर कुत्तों द्वारा किए गए हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुत्ता काटने के संबंध में सुरेंद्र नामक व्यक्ति हाउसिंग बोर्ड का एक शिकायत लेकर आया था, जिसके शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल आवारा कुत्तों के लगातार बढ़ रहे आतंक से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। सभी जगह अपनी शिकायत कर या थक हार कर परेशान हो चुके हैं। कुत्तों के आतंक का सिलसिला थमने की बजाय और बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी के साथ साथ लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। लोग आक्रोशित होकर कोई कदम उठाए इसके पूर्व नगर निगम प्रशासन को इस ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।